दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता बगलामुखी जी के बारे में। दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जादू टोनों, तंत्र मंत्र और ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों माँ बगलामुखी जी आठवीं महाविद्या है। इनका प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने के कारण ही इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इनके कई स्वरूप हैं। दोस्तों इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों माँ बगलामुखी जी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात ये अपने भक्तों को भय को दूर करके उन्हें शत्रुओं और बुरी शक्तियों से बचाती हैं। माँ बगलामुखी जी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग की सामग्री का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में आठवीं महाविद्या है। ये स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश इन्हीं माता में है। माता बगलामुखी शत्रु नाश करने वाली है। ये वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय प्रदान करने वाली है। यही कारण है कि इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त है। माँ बगलामुखी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित होती हैं। रत्नमय रत्न रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक प्राचीन बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष माता बगलामुखी की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। यह स्थान अर्थात माँ बगलामुखी शक्तिपीठ नलखेड़ा में नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान शमशान क्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत युद्ध के 12वें दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार की थी। देवी बगलामुखी को तंत्र की देवी माना जाता है। तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले देवी बगलामुखी को प्रसन्न करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार
वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है। भारत में माँ बगलामुखी के तीन ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया, हिमाचल के कांगड़ा और मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में हैं। दोस्तों, जिस दिन माँ बगलामुखी की जयंती होती है, उस दिन व्रत एवं पूजा उपासना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए साधक माता बगलामुखी का व्रत करता है, उन पर पुष्प अर्पित करता है। बगलामुखी पर्व देश भर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर जगह जगह अनुष्ठान के साथ भजन संध्या एवं विश्व कल्याणार्थ महायज्ञ का आयोजन किया जाता है तथा महोत्सव के दिन शत्रुनाशिनी बगलामुखी माता का विशेष पूजन किया जाता है और रात भर भगवती जागरण होता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। यदि कोई साधक पूर्ण तन मन और धन के साथ माँ बगलामुखी की आराधना करे, उनकी तपस्या करे और उन्हें प्रसन्न कर ले, तो उसे तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है तथा समस्त प्रकार की रिद्धियों और सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। दोस्तों, यदि कोई भी साधक जो संसारिक ऐश्वर्य, संसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, उसे माँ बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहिए तथा उनकी आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है माँ बगलामुखी का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार की आश्चर्यजनक वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अंत में एक बार हमारे साथ प्यार से कहिए, जय माता दी।